बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मुझे जो है आज का सॉरी जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ जो मुझे अपने कलर जो लिपस्टिक के जो शेड मैं लगाती हूँ या मुझे जो पसंद है मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो मैं आपके साथ जो है आज शेयर करने वाली हूँ कि और आप मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सा शेड मुझ पर ज़्यादा जो है सूट करता है या कौन सा शेड मुझ पर सूट नहीं कर रहा, तो मैं लगाना छोड़ दूँ। तो इसी हवाले से आज मेरी वीडियो है, तो मैंने कहा ये जो है मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप मुझे ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लिपस्टिक शेड्स की तरफ। नहीं, पहले वीडियो की तरफ नहीं चलेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना तो भूल ही गई, जो मेरी हर वीडियो में सबसे पहले होती है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जो है जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वो वीडियोज़ को जो है देखें, लाइक करें, और जो भी इसमें आप लोगों को मुझसे रिव्यू वगैरह कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें। तो अब चलते हैं अपने लिपस्टिक की तरफ। अच्छा जी, देखिए मैं अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर दिया है, और जो है सबसे पहले जो नंबर मैं लगाने वाली हूँ आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो है 55। नज़र आ रहा है, ये मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ 50। और मैंने ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ 58। ठीक है, तो आप बताइएगा मेरे ऊपर ये कैसा लगता है लगाने के बाद, सूट करता है या नहीं करता, वो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये जो कलर है ये ऑरेंज पे है, ठीक है, कैसा लग रहा है ये शेड ऑरेंज का, ये मैं लगाती हूँ। देखिए जब ये थोड़ी सी हो गई है तो ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसको मैं रिमूव करती हूँ, सेकंड आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो है अपनी लिपस्टिक जो नंबर वन पे मैंने लगाई थी वो मैं रिमूव कर चुकी हूँ, सॉरी। और अब मैं सेकंड स्टार्ट करने वाली हूँ, इसका नंबर है 22। नज़र आ रही है आप लोगों को, 22 नंबर है इसका। तो अब मैं ये वाला अप्लाई करने वाली हूँ। ओ रेड रेड है जैसे होता है, ज़्यादा लाल वाला भी नहीं है। ये ग्लॉसी नहीं है, मैट पे है। कैसा लग रहा है ये मुझ पे तो ये आप बताएंगे, तो अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताएंगे, बुरा लग रहा है तो भी बताएंगे। तो अब मैं इसको हटाती हूँ, नहीं इतनी जल्दी नहीं, पहले आप लोग अच्छे से तसल्ली से देख लें, फिर मैं इसको रिमूव करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपने नंबर तीसरा थर्ड पे जाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, मैं फिर रिमूव करके आ चुकी हूँ, बस अब मैंने यही करना है, मुँह इसको हटानी है फिर लगानी है फिर। तो नंबर 3 मैं लेके आ चुकी हूँ, और इसका जो नंबर है वो है 10। ठीक है, और इसका जो शेड है वो इस तरह का कुछ है ना, पिंक नहीं, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर जो है शाइनिंग सी आ रही है और जो शिमरी सा है, और पिंक पे है ना, नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये वाला शेड है। तो ये ट्राई करते हैं, ये आपको दिखाती हूँ मेरे ऊपर कैसा लगता है, तो आपने बताना है कैसा लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले वाला जो है थोड़ा उससे मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये जो है वो मेट पे था, और ये जो है ये थोड़ा ग्लॉसी है, और ये थोड़ा जो मतलब पिंक के ऊपर भी जा रहा है वो बिल्कुल प्योर रेड था, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप बताते हैं कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर मैं ये लगाना छोड़ दूँ तो भी आप ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो देख लें कैसा लग रहा है, चलें जी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, अब इसको रिमूव करते हैं और चलते हैं अब अपने 1, 2, 3, 4 है ना, 4 पे चलते हैं। हाँ, 4 पे चलते हैं। चलें, रिमूव करके फिर आ चुकी हूँ। ठीक है, और जो है अब मेरा नंबर 4 है, और 4 के ऊपर वो पिंक कलर थोड़ा सा डार्क पिंक पे है, मतलब बेबी पिंक नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डार्क पिंक के ऊपर है, और मैं इसको पूरा खुल के नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझसे गिर गई थी और ये टूट चुकी थी।
ये कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो ये कलर है इसका पिंक, लगा भी लिया मैंने। और इसका नंबर है भाई 15 नंबर है। और ये कौन सी कंपनीज के हैं, क्या हैं, अगर आप लोगों को इसको ख़रीदना हो या कुछ भी, तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं कौन सी कंपनी इसको यूज़ कर रही हूँ। बस ये मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो मैं कलर लगाती हूँ, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही। ठीक है, बस मैंने जो मुझे पसंद है से मैं वो वाले कलर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं ज़्यादातर कौन से जो है अपने रूटीन में रखती हूँ। ये जो मैं वीडियोज़ में अक्सर लगाती रहती हूँ सिर्फ वो है। ठीक है, तो देख लीजिए कि कलर मुझ पर सूट कर रहा है या मुझे नहीं लगाना, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। अब मैं जा रही हूँ, रिमूव करती हूँ और मिलते हैं अपनी पांचवी लिपस्टिक शेड की तरफ। ठीक है, वेलकम बैक। फिर से मैं रिमूव करके आ चुकी हूँ। लास्ट फाइनली जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ उसे मेरे पास लास्ट लिपस्टिक रह गई है जो मैं आपके साथ शेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों से पूछूंगी वो मुझ पर अच्छा लगता है या नहीं, जो भी है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड सेकेंड बात ये कि प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हमारा जो 5 नंबर कौन सा है वो है 25। ठीक है, तो ये आप लोगों को नज़र आ चुका होगा। और ये कौन सी कंपनी है जो मैंने दोनों मिक्सर के लगाई है वो मैं आप लोग मुझसे अगर पर्सनली पूछना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। आइसक्रीम वाला आया था वो भी प्रमोशन करवा रहा है। खैर, तो अभी हम चलते हैं अपने इस शेड की तरफ। और ये बिल्कुल लाइट है और ब्राउन के ऊपर है, थोड़ा सा इसमें ग्लिटर मतलब फिर आ गया। वेट करो, गया आइसक्रीम वाला। ठीक है, तो नंबर 5 पे हम थे। तो इसका शेड कुछ इस तरह का है, देख लीजिए आप लोग। मुझे लग रहा है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये थोड़ा जो है मैंने इस्तेमाल कर लिया तो थोड़ी छोटी सी हो गई है। तो और बाकी इसके अंदर डबल शेड है, देखेंगे ना, शिमर भी है और थोड़ा सा ये ना मरजेंटा टाइप कलर कह लें, कुछ इस तरह का है। लेकिन लगने के बाद बहुत लाइट सा लगता है और ना लाइट इवेंट या डे टाइम में ये बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। लगा के दिखा देते हैं किस तरह का लगता है। ये देखिए कितना लाइट सा कलर है, वो ग्लॉसी है। ठीक है, और मकसद इसको गर्ल्स भी लगा सकती हैं या डे टाइम में हम लगा सकते हैं, या हमें सिंपल मेकअप रखना हो तो हम लगा सकते हैं, या जो न्यू वेड होती हैं घर में अगर अक्सर लगाना चाहती हैं तो ये कलर लगा सकते हैं। तो सॉरी, ये तो मुझे बताना नहीं था, आप लोगों को मुझे बताना है कि मुझ पर कलर कौन सा सूट कर रहा है। तो ये आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा मुझ पर मतलब सेलेक्ट करूँ मैं, या मैं ज़्यादा रूटीन में कौन सा लाऊँ, तो ये सब आपने ज़रूर बताना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और COVID-19 चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपना जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, सही दुआओं में सबको याद रखिएगा, मुझे भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।